again. Let's get it. What's up? Welcome back to our channel Pari Entertainment. और कैसे हैं आप सब? Hopefully आप सब लोग अच्छे होंगे. और आज आज है तीसरा परिवार. हे परिवार, हे परिवार, ये अम्मू है. Hi, say hi, say hi. तो आज है fun time. आज हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले हैं, बाहर निकल के आए हैं. हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, देखें कि रेस्टोरेंट वगैरह सेफ है कि नहीं. अभी तक हम लोग रिजॉर्ट से बाहर निकले नहीं थे, तो आज सोचा कि जाएं और देखें क्या चल रहा है. तो रेस्टोरेंट बहुत डर डर के हम लोग आए थे, उतना नहीं मालूम था. लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए तो क्या देखा हमने कि यहाँ पर रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छे से सबने मास्क लगा रखा है, शील्ड लगा रखी है, सैनिटाइजर है, बहुत ही डिस्टेंस है हर जगह पर, ज़्यादा लोग नहीं है. सबसे अच्छी बात है कि ज़्यादा लोग नहीं है, रोड पे लोग नहीं है, रेस्टोरेंट में लोग नहीं है ज़्यादा, तो बहुत कम लोग हैं. तो ये काफ़ी सेफ फील हो रहा है इस वजह से. चलिए अब चलते हैं टेबल पे. सोच रही थी नहीं, कैमरा देखते ही उसको लगता है कि वो हो रहा है, मैंने पपला जी का पपला जी सोच रही थी. You should say cheese, not eat cheese. How are you, Prabhat? I am fine. I am having a gala time with my friends, and there are a lot of cheese here. So we have to say cheese. You have to give your candid thoughts. Candid thoughts? You have a media person. No comments right now. So here we can see that people are running away from speaking their minds. I believe in justice for all. So maybe see they have only one agenda. So लेकिन डिप्लोमी सही कहा, तू बोल रहा है और कुछ चार बटर खा रहा था. डिप्लोमी भी हो जाओ कह रहा था. ये तो अच्छा भाई. तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं इस रेस्टोरेंट से. और ये रेस्टोरेंट जो है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, फूड वाज ओके बट इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. हर चीज़ डबल प्राइस पे दे रहे थे. तो कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल हम एक ही रेस्टोरेंट देख कर आए हैं. अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और चलिए फिर अब हम बीच की तरफ बढ़ रहे हैं. ये प्रभात बताएगा पूरी कहानी. हाँ,
तो हम एक इनकम टैक्स अफसर कराते हुए टैक्सी काट लिया। नहीं नहीं वो दूसरा टैक्स था, टैक्स था। ये तो वैसी बात है कि फन है, मैकेनिकल इंजीनियर गाड़ी पंचर बना जाता ही नहीं है। तो पेंटागन में हम गए थे तो खाना पेंटागन में जॉर्ज बुश ने बम गिरा दिया, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ हुआ था वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। ठीक है हमें अपना मूड खराब नहीं करना। सांत्वना पुरस्कार के तौर में तो हम उसी जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब मोमा है। चलो कहाँ जा रहे हैं? अभी हम अपने बेस पे जा रहे हैं। हाँ बेस पे जा रहे हैं, अभी कुछ लोग वहाँ हॉलिजर और मोटर कलेक्ट करेंगे, जनरेट होंगे कुछ लोग। हाँ तो इस चप्पल के सामने फोटो खिंचानी थी भाई। उसके बाद हम लोग कौन सा चप्पल है? लेडी और मेगा चप्पल। दोस्तों हम उस रेस्टोरेंट से हम निकल कर आए हैं यहाँ चर्च में, क्योंकि प्रभात बोल रहा था कि इसको चर्च जाना है, चर्च देखना है, लेकिन चर्च पूरा बंद है, उसके सारे गेट बंद है। तो हम सोच रहे क्या करें। बहुत ही खूबसूरत है यार यहाँ का एरिया, जहाँ पे भी चले जाओ देख लो, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आपकी डॉगी कहाँ से आया? दोस्तों अभी हम जा रहे हैं केसरबाग स्प्रिंग वाटरफॉल, और चर्च हम गए थे वहाँ पे चर्च बंद था और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे तो ये लोग डर गए थे। तो हम वहाँ से निकल गए और अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल। अरे यार जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से पता नहीं क्या हुआ है कि मेरी आंखें मुझे सूजी सूजी सी लगती हैं। अब चलो बेस्ट ऑफ थिंग इज फाइन, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। ये रास्ता कुछ टकराता है, चलिए आपको दिखाती हूँ। ग्रीनरी बहुत है। क्या लग रहा है पंकज ये झरने के बारे में? जंगल जंगल नहीं लग रहा बहुत ज्यादा? जंगल पंकज की कहानियां ही अजीब होती हैं। पंकज बहुत कहानियां सुनाता है, सच बोलता है, सच का दूसरा नाम है पंकज। देखो पंकज लगता सीधा है, बोलता बहुत है। चलो आगे दिखाते हैं। आज आगे चला जा रहा है, आज आगे भागे जा रहे हैं, मैं चल रही हूँ। रास्ता बहुत ही सकरा सा है, दिखा रही हूँ आपको। अपने इतना जंगल है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, देख के अच्छा तो लग रहा है बट ऐसा लग रहा है कहीं सोचता है कोई चीता शेर या कुछ आने जाए। चलो आगे बढ़ रहे हैं, दिखाओ आपको कितना जंगल है। देखो इसकी मम्मी नहीं दिख रही है, कमजोर है। कुछ है खाने को? हड्डियाँ नहीं मिला, ऐसा लग रहा है हड्डियाँ कुछ है खाने को। अपने बच्चे सब से है ना, मैं
मचोदा बीच कैसा लग रहा है? सीन काम बहुत ही सुकून भरा माहौल है, है ना? लोग भी कम है ना, लोग दिख नहीं रहे यहाँ पे। जो भी हो ये बात तो इस अगर लोग कम है तो लग रहा है कि सेफ है ना कोरोना के चक्कर में। तो शाम के बज रहे 6:30 और इस टाइम पे अंधेरा सा होने लग गया, लेकिन अंधेरा हुआ नहीं है, थोड़ी रोशनी है और थोड़ी फोन की भी रोशनी है। बट इतना सुंदर मौसम हो रहा है यार, मन कर रहा है यहीं पे बस जाओ, ऐसा लग रहा है कि यहीं बस जाओ, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑल आई कैन डू कि इस जो भी ये सीनरी है इस टाइम पे इसको मैं कैप्चर कर लूँ और हमेशा के लिए रह जाए ये मेरे पास इस टाइप से है। तो वही मैं कर रही हूँ, वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अपने पास कैप्चर कर लूँ और आपको भी साथ में दिखा सकूँ। तो चलिए दिखा, वो लहरें बहुत तेज हैं यार, वो दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों हम लोग आए थे मरजोदा बीच पे और अब यहाँ से, यहाँ तो मैं पहली बार आई थी। प्रभात तुम पहली बार आए थे? हाँ, मैं पहली बार आया था, मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत ही शांत वातावरण लगा, कॉमर्शियल नहीं है बिल्कुल, मामला काफी बढ़िया है। आप सभी जब भी गोवा आए तो साउथ गोवा जरूर घूमे और स्पेशली यहाँ की बीचेस, क्योंकि ये नॉर्थ गोवा की बीचेस से बहुत अलग है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत खाली खाली है और बहुत खाली है। हाँ, इस टाइम के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं है तो आपको कोरोना का उतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। क्यों पंकज, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, लेकिन तब भी मास्क बनाए रखे, सैनिटाइजर लगाइए और अपनी सुरक्षा और फोन में घुसे रहिए, लोगों के संपर्क में ज्यादा ना आइए। ये देखिए पीछे मौसम कैसा है, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 7:45 हो रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं ये सिर्फ मेरे फोन का कमाल है जिसमें रोशनी दिख रही है, अदरवाइज यहाँ पे रोशनी नहीं दिख रही है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बताना आप भूलिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। और मेरी वीडियो में सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन लग रहा है ये भी बताइएगा तो जो जिसका ज्यादा बोलना अच्छा लग रहा है वो मुझे बताइएगा, उसके साथ मैं वापस से वीडियो बनाऊंगी ये देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं रिजॉर्ट के लिए, और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, कल बोलना भूल गई थी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कोई सजेशन है तो बता सकते हैं, मेल बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, कहीं पे भी बता सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे, बाय, बोल दो प्रभात, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। It's not a game, it's a rich game.